स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटीज तो स्पोर्ट्स का जो नॉर्मल जो है उसको दिया हुआ है, पहले भी था फिर थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है। इसलिए आप उनका मैच फिलीर में हमारा जो हरमन सिंह है रिकर ये आर्मी है जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो हम लोग का उसको दिया हुआ है एस एम एल में, वो आप लोग का कॉन्वेंशनिंग को वो लिया जाएगा मॉर्निंग कॉन्वेंशन, उसके साथ में कोचेस ग्रुप रहेगा, ठीक है ये ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो सर इसी में खत्म करता हूँ, अभी थोड़ा बच्चा लोग आ रहा है तो जो भी हो देखो हम लोग कुछ दिन की बात करेंगे, इतना मेहनत करके साथों की आया दो तीन लाइन को सुन के जाने से ठीक है। हमारा आज एसपी साहब का बिहार में एसपी साहब आया हुआ है, आप लोगों दो तीन लाइन एडवाइस देके जाएगा ठीक है। नमस्ते और गुड आफ्टरनून सबको, रिस्पेक्टेड लर्नर डीसी डॉक्टर प्रथम सर, डायरेक्टर सर, ऑल द ऑफिसर्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन और सब पैनल्स आज जो आया हुआ है इधर जनरल। मेरा नाम चंद्र करुण है, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर ईटानगर आईसीआर का है, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय एसपी एसपी आज अनाथ एसपी सर का पर्व किसी होने के वजह से नहीं आ पाया, तो ऑन बिहाफ ऑफ ईटानगर आईसीआर के एसपी का मैं आया और मेरा लेफ्ट में ओसी सर, ओसी नेटिव चिंपू का, ये चिंपू जुरिस्डिक्शन में आता है तो पुलिस में जुरिस्डिक्शन होता है थाना वाइज का, तो इसलिए हमारा मेरा एसपी ओसी सर ईशान सर आया हुआ है। रिगार्डिंग जो इंसिडेंट हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए, बट देन जब हम लोग कुछ गलतियाँ को कुछ चीज़ को दिखाई दिया तो उसको सॉर्ट आउट भी करना है, तो आज जैसे डी सी सर आया हुआ है आप लोग समय देंगे डायरेक्टर सर सब समय देकर आया हुआ है, बट देन तनाव जो उतना आया नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया और सर का इंटेंशन ये था कि सबको गैदर करा के एक मैसेज पहुँचाना चाह रहा है स्पेशली ये स्टूडेंट को जितना चाहिए बच्चा लोग देखा हुआ। अभी टोटल स्टैंड कितना है 240 अभी देखा 20 भी नहीं आया, तो जो पर्पज़ था वो जो पर्पज़ था जिसके लिए हम लोग बुलाया वो पूरा सर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आर्डिनेशन जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से पुलिस से इसका इंस्टीट्यूशन का तरफ से एक जो मैसेज जाना था सर यूनियन में सिंगल ही जाना था, अभी इनको बताया गया कुछ उसके लिए भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बट देन जब सर आई गया तो हम लोग कुछ ना कुछ मतलब बात करते हैं, जब जिस सर ने परमिशन दिया है ठीक है एज ए यंग ऑफिसर कोई एडवाइस है तो भाइयों को दे दो बहनों को दे दो बोला तो ठीक है मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। जो इंसिडेंट जो होने के बाद मेरा कंसर्न हो सी निशान सर ने ऑलरेडी काम कर चुका है, जब रिपोर्ट आया है पुलिस का तरफ से जितना इंक्वायरी करना था किया है, बट देन ये पेरेंट्स को है स्पेशली आप लोगों को पेरेंट्स को है, हम लोग जब केस को रजिस्टर किया इसके बाद टोटल हम लोग का है जो एलएज है स्टूडेंट है सीसीसी डब्ल्यूएल वन चाइल्ड कंट्री विथ लॉ है ना, तो ये हम चाइल्ड को एक्चुअली चले 18 भी लोगों को हम ये एड्रेस करते एक्यूज हो गया हम लोग एड्रेस नहीं करते, एक सॉफ्ट वन जे एक्ट में ये बोलते हैं कि हम इसको एक्यूज नहीं बोल सकते, ये अंदर अभी 18 ईयर्स में ये चाइल्ड है, तो पेरेंट्स को ये आप लोग ये नहीं सोच रहे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया पुलिस ने नहीं किया, ये नहीं सोच रहे पुलिस ऑलरेडी वो काम किया है, आज के सर आने से पेरेंट्स के सर तनाव होने से हम लोग जितना भी एक्शन लेकर रिपोर्ट था ऑलरेडी सबमिट कर चुका है, बट और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा रह गया ये केस के लिए, तो अभी तक हम लोग ने 17 जो स्टूडेंट का है उसका एग्जामिन कर लिया मेरा ऑफिसर रेस्ट 13 आउट ऑफ 13 में से अभी तक स्कूल छुट्टी होने का वजह से वैकेशन होने का वजह से सब स्टेशन में नहीं है और कोई कोई पेरेंट जो है तनाव नहीं है उनको लगता है कि मेरा बच्चा को एक्शन देगा अरेस्ट करे ये करेगा ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा अगर कुछ गलत किया नहीं होगा, तो पेरेंट्स को ये मैसेज है कि अगर आप लोग भी गलत डिसीजन नहीं होगा जो रेस्ट जो 13 का जो पेरेंट्स है आप लोग उनको बता दीजिए कि आने के बच्चा कोई दिक्कत नहीं एक्सामिन करने दो ठीक है, ये पेरेंट्स की है
और इंस्टीट्यूशन के लिए हम ऐसे न्यू ऑफिसर आया है, तो अभी तक फर्स्ट टाइम है मेरा इंजीनियर फर्स्ट टाइम है, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर ने अभी भी बोला है कि चाइल्ड का सेफ्टी के लिए ये इंसिडेंट का बाद ऑलरेडी पहले भी कर चुका है, पर ये इंसिडेंट का बाद ये सर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करेगा। हाँ ऑलरेडी है, ये तो बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स आप लोग सुन लीजिए, सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इनसिक्योर होते हैं ठीक है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट देन हम लोग एक इम्प्रूव करके आगे सिस्टम को लेके जाए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन ने है सीसीटीवी इंस्टॉल करके रखा है। और सर ये भी है मेरा सजेशन है इंस्टीट्यूशन वालों को, जैसे ये चाइल्ड है, चाइल्ड बचपन ये अंदर ले जाए तो कभी हिम्मत नहीं होता है कि उनको क्या हो रहा है, ये नहीं बता सकता। अगर कोई उसको मार भी रहा है, धमका भी रहा है, चुपचाप देता है, आप बताना नहीं है, वो जेल डर के भेज जाता है। तो इसलिए कि मेरा एक सजेशन था कि कंप्लेंट बॉक्स टाइप का इंस्टीट्यूशन में कंसर्न जगह में इसका हॉस्टल में होने से एक कंप्लेंट बॉक्स रख दीजिए। और आप लोग अगर कुछ बराबर लड़का लोग मारता है या फिर कोई इसका मिसबिहेव करता है, मिसबिहेव मतलब नौ लोग जो है ये नहीं करने मन नहीं है, करने पढ़ाई को नहीं बोला, लोग टॉर्चर कर रहा होगा, कुछ अलग चीज़ कर रहा होगा, मार रहा होगा, पीट रहा हूँ उनसे, अगर तुम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकता, पेरेंट्स को नहीं बता सकता हूँ, ऐसे भी एटलीस्ट लिखने आएगा कि कौन तुमको मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, कंप्लेंट बॉक्स में सर ड्रॉप कीजिए। इसके बाद ये सजेशन है कंप्लेंट बॉक्स को एवरी वीक में सर आप एक स्थापित डेडिकेटेड पे रखते उनको बता दीजिए, देखी नहीं और चेक कर लीजिए, तो ऐसे कर कंप्लीट सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में सर इतना हम वेल उसका आइडिया नहीं है, बट मेरा ये पॉइंट था। और स्पेशली स्टूडेंट को तुम लोग जितना भी आया हुआ है अराउंड 25 से आया हुआ है, सुनाई दे रहे हैं लोग, सुनाई दे रहे हैं ना, देखो तुम लोग फ्यूचर है, अभी तुम लोग सर जो भैया जो जितना भी समझा रहे हैं आधा दिमाग में रहेगा आधा ऊपर में उड़ेगा ना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ को ये दिमाग में रखो, फिर हम लोग भी तुम लोग का जैसे भी होके हम लोग भी आया है पढ़ के लिख के, तुम जैसे अभी 6 में 7 में हम लोग भी 6 7 में क्रॉस होके आए, लेकिन हम लोग एज ए सीनियर एज ए एल्डर तुम लोग ये बता रहे हैं कि आगे में क्या होने वाला है और क्या चीज़ नहीं करना है ठीक है। अभी रेगिंग तुम लोग कभी सुना है रेगिंग सुना है ना, अभी सुना होगा, इससे पहले ज़्यादा नहीं सुना होगा। रेगिंग में बहुत सारा तरीका रेगिंग होगा, रेगिंग में जैसे कि रेगिंग मतलब जैसे तुम नहीं चाह रहे, तुम कुछ चीज़ नहीं चाह रहे, तुमको जबरदस्ती किया जा रहा है, एक्सेप्ट पढ़ाई को छोड़ कर, पढ़ाई को तुमको तो मम्मी पापा भी पढ़ो बोलते, वो रेगिंग नहीं है, वो पॉजिटिव रेगिंग है, नेगेटिव रेगिंग। रेगिंग का क्या हो गया, मेंटली तुमको टॉर्चर दे रहा होगा ना, और फिजिकली तुमको मार रहा होगा, पीट रहा होगा ठीक है, तो वो सब जो रेगिंग में आता है, वो एल्डर जो काम लगा रहा होगा, जबरदस्ती कर बाथरूम साफ करा रहा होगा, क्या करा रहा होगा, हो सकता है या हे बोल क्या मेल नहीं बोल रहा है, बट देन उनके ऐसा कुछ होता है। अभी जैसे हम सजेस्ट किया गया बॉक्स होगा, कंप्लेंट बॉक्स है, तो इमीडिएटली वो डेज को नहीं बता सकना चाहिए, इस कंप्लेंट बॉक्स में ड्रॉप करो हमको सो भैया का नाम, ये लड़का जो हमको जबरदस्ती काम करा रहा है, धुलाई मार रहा है, कान खींच रहा है, इस तरह का करके लिखते, तुम इतना तो लिख जाएगा ये करना है ठीक है। और अभी तुम लोग यहाँ में इंसिडेंट ये हुआ है, इसका बाद देखो तुम लोग का पढ़ाई यहाँ खत्म नहीं होगा, तुम और हायर लेवल जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज में भी अभी कम्प्लीटली नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई करता है, पॉजिटिव रेगिंग भी होता है, जैसे जहाँ तक जबरदस्ती कराता है ठीक है, वो अच्छा चीज है, बट तुम लोग को जबरदस्ती करा रहा होगा, मार रहा होगा, पीट रहा होगा, बहुत कॉलेज में भी तुमको एक्सपीरियंस हो सकता है ठीक है। तो अभी से ये माइंड सेट रखना है कि आप किसी को नहीं करेंगे जूनियर को ठीक है, अभी तुम लोग जूनियर है यहाँ पे, तुम लोग को भैया लोग करता भी होने से अभी इसके लिए अभी इतना बड़ा ऑफिसर डीसी सर डायरेक्टर सब बराबर ऑफिसर आया हुआ है, समझ गए ना, तुम लोग के लिए आया हुआ है, तो अभी ये क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ जो मुझे आपको बोलना चाहते हैं, आपका बच्चा लोग को आप कल बड़ा होगा, आपको आप करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, आपको करेगा बहुत सारा रिजल्ट होगा, तुमको स्कूल से निकल देगा ठीक है।
अगर रिगिंग करता है तो स्कूल से निकाल देगा, वो तुमको ऐसे ऐसे क्या नोटिस इशू कर देगा, दूसरा स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, समझा ना। अभी देखो सर करा हम करा ये आपका जितना भी टीचर लोग है पेरेंट लोग पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचा ना, ऑफिसर बनाए कोई अलग अलग ऑफिसर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो तुम लोग का भी ये दिमाग होना है कि हम कभी रेगिंग नहीं करेंगे, ठीक है भाई को कभी प्रोफेसर सर नहीं करेंगे, समझे सुना है नहीं सुना है, क्लियर है। रेगिंग का मीनिंग पता चल गया ना, जल्दी से भी नहीं करेंगे, बाद में कॉलेज जाने के बाद भी किसी को नहीं करेंगे, अभी से तुम लोग ये डिसाइड करें, मेरे लोग कब भी कोई स्कूल स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं, अगर पकड़ा जाएगा और गलत ज़्यादा किया बोलने तो पुलिस भी एक्शन ले लेगा, समझे ना। तो वंस नो केसेस बन गएगा बाद में तुमको तकलीफ हो जाएगा, ऐसा तुम कोर्ट में जाते रहना पड़ेगा, पुलिस में जाते रहना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम अच्छा काम करो इज्जत से जीना है ना, इसलिए गलती नहीं करना। और सेकेंड बात जो ड्रग्स रेगिंग का तो बोल दिया ड्रग्स है ना, अभी आदमी जो जीने के लिए दवाई खा रहा है ना, इतना लाखों लाखों खर्चा कर रहा है, तो तुम लोग अभी तुम लोग और 5-6 साल का बाद तुम लोग का ये एज है बहुत रिस्क वाला, अभी ईटानगर ना लेने में दूसरा रिश्ते में बहुत सारा ड्रग्स का चलता है, लेकिन बहुत काम भी किया हमने ना, तो ड्रग्स को कभी भी ट्राई करेगा ये करेगा कभी मत सोचो, एक बार तुम फंस गया निकालने तकलीफ हो जाएगी, समझा ना। तुम लोग को बता रहे ये लोग तो तुम लोग का पेरेंट्स है उनको पता है, पेरेंट्स अच्छा हो कि आज तुम लोग किसी का अच्छा स्कूल रख पाए, तुम लोग का अभी माइंड में ये बैठना है कि हम कभी ड्रग्स ले रहे नहीं, ठीक है अभी से तुम लोग प्रॉमिस करके बैठना है, देखो यार इतना बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट में ये इंस्टीट्यूट में कोई मिलता भी नहीं एडमिशन के लिए, संजय रहते हैं तुम लोग को एक स्पोर्ट पर्सन के लिए तुम लोग को बनाने के लिए करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग का सब डिसिप्लिन होना है ना, एक स्पोर्ट पर्सन होने के लिए डिसिप्लिन होना है, समझा है बराबर या कुछ बोल रहे तो ठीक है अच्छा बात को मानो, पापा कोई बोल रहा था अच्छा सुनो, समझ गया। तो ड्रग्स एंड रेगिंग, ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं करेगा हाँ, समझा है हाँ, ड्रग्स लेगा तो क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो आगे बढ़ने का जगह ही नहीं, पढ़ाई करना खत्म हो जाएगा, पेरेंट्स का जितना भी प्रॉपर्टी कमाया खत्म हो जाएगा, और कुछ भी तो जेल हो जाएगा बेकार में, और तुमको कोई भी सोसाइटी में इज्जत नहीं देगा ना, समझा ना नहीं समझा है जोर से बोलो समझा ना। ड्रग्स एंड रेगिंग अभी से तुम लोग दिमाग में रखना ही नहीं ना, कभी नहीं करेगा ठीक है, अगर ये भैया का बात को मान के अभी से चलता है बोल से अच्छा है, नहीं तो अभी हम लोग भी क्यों बार बार आपको बोलते रहे ना। तो आज सर आया हुआ है तो थैंक यू सो मच, स्टाफ भी है सर का न्यू पेस है सर का नया नया चेहरा, मैं भी नया ही है तो सर उतना अभी सबको पहचान नहीं सकते, सब नया पेस है, तभी भी आई थैंक यू सर अपॉर्चुनिटी, मैंने शेयर किया कुछ कुछ ना जो जो करना है नहीं करना है इंस्टीट्यूशन का तरफ से सर, जो मैंने एक सजेशन दिया एक ही पॉइंट था कंप्लेंट बॉक्स का अगर आप लोग कर देगा तो बहुत अच्छा बात है, एंड रेस्ट जो भी करना है सर का सर भी तो मतलब कॉल बैक करेंगे सारी आते समझे सर का गाइडेंस नहीं होगा ही ओके सर, थैंक यू सो मच यूनिंग सो मच थैंक यू सर फॉर देट। सर कवर कर लिया होगा आपका कुछ पॉइंट छूटा है क्या सर का हाँ नहीं कभी कभी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है पेरेंट्स इतना ज्यादा है स्टूडेंट क्यों कम है, ये तो आप लोग समझ में आया इतना आपको तो समझ में नहीं आया, आपको कितना ज्यादा है बच्चा लोग कहाँ छोड़ के आया बाथरूम में ना कहाँ में छोड़ के आप स्टूडेंट है ना पेरेंट्स है पेरेंट्स है आप पेरेंट्स है माने दो दो पेरेंट्स आया दो दो आया ना तीन तीन भी आया इसलिए हो गया, तो हम क्या कर सकता है हम कुछ भी नहीं कर सकता है, बातें कर सकता है और बात करने वाला का एक मुख है ना सुनने वाला का कितना है दो है, तो आज हम लोग आधा आधा बात करेगा हाँ क्योंकि नेक्स्ट वीक भी बात करना है ना, तो इसे सार जो है पुलिस का ऑफिसर जो होता है ना तुम लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएगा
तो सार का जैसे नौकरी मिलेगा। देखो देखो ये तीन स्तर दिखाई दिया ना, तीन स्तर दिखाई दिया आपका, तीन स्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हो सकता है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अलग अलग में जाएगा। तो जो भी हो, अभी यहाँ हमारा पास जो है उसमें से एक डॉक्टर भी आया हुआ है। डॉक्टर लोग से भी सुनने के लिए एक दो लाइन डॉक्टर से भी सुनने के लिए। मैडम आप बाहर आइए, डॉक्टर लोग को भी सुनना है। देखो आप लोग को डॉक्टर बनने दिल है, कोई डॉक्टर बनने दिल है लेडीज? हाँ तुमको ना, हाँ डॉक्टर बनने दिल है। तो देखो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना। मैडम बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया, डिसिप्लिन में था, इसलिए डॉक्टर हो गया। मैडम आप थोड़ा सा एडवाइस गाइड। I think sir ने जैसे बोला है कि we expected a lot, ये जो है anyways, ये भी मेरा first time है। जैसे हमने सभी कहा कि it's the first time, बहुत सुना है institute के बारे में, लेकिन कभी आना नहीं हुआ है। so I think आज ये opportunity हमको मिला है कि इधर में आने के लिए और आप लोग सभी मिलने के लिए, institution को भी मतलब कंपाउंड जो कैंपस है पता चला है। नहीं तो रास्ते से ही हमेशा सुनते थे संगेलाल इंस्टीट्यूट बोल दिया, लेकिन आज तक ये नहीं था। एंड देन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है उससे फिर और भी सबको मतलब सबके फोकस में ये इंस्टीट्यूट सब लोग मतलब चर्चा में था एक्चुअली। तो सर अपने तो ये कहते कि क्या शेयर करो करके मेडिकली अगर ये कहें तो आई थिंक अभी जैसे बोल रहे थे कि आई थिंक इंस्टीट्यूट के अंदर थोड़ा सा ड्रग्स का इश्यूज भी है करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जिस सब इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं डॉक्टर के लोम्बी हूँ, अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी की असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से। तो हम लोग का जो है, मैं अभी सर से बात कर रहे थे कि इज देयर मेडिकल ऑफिसर, सो बोले कि नहीं है। आई थिंक बट द गवर्नमेंट जो ये है प्रोसेस होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स माई पर्सनल टेक दैट एज एन इंस्टीट्यूट विद सो मेनी स्टूडेंट्स हियर, आई थिंक दे शुड बी अ मेडिकल पर्सनल जो भी हो। अगर डॉक्टर तक नहीं होने से भी एक नर्सिंग जो है या एएम तक भी बनना चाहिए। सो आई थिंक इस चीज को जो है आपसे भी कि आई थिंक इस प्रपोजल को एक बार से फिर पुट अप कीजिए, सो दैट एटलीस्ट इस चीज में जो है एक्टिविटीज को भी जो है टिश्यूज के बेस पर उसको भी मॉनिटरिंग हो पाए। एंड जो टीचर्स जो है, जो वार्डन्स जो है, सो दैट ईच स्टूडेंट्स के जो हेल्थ इश्यूज है उस चीज को भी एड्रेस कर सके। कमिंग टू दी ड्रग इश्यूज जो है, आई डोंट नो हाउ रैम्पेंट इट इज इन इंस्टीट्यूशन, बट जो थोड़ा बहुत मीन्स से जो बोल आप लोग के कन्वर्सेशन से सुनने में जो आया है, आई थिंक ये जो इंसिडेंट भी हुआ है आई थिंक वो भी इस ड्रग इश्यूज से भी रिलेटेड है। तो ड्रग इश्यूज के बारे में मैं क्या कहूँगी कि आई थिंक अरुणाचल में अभी फिलहाल we have a very big issue, especially among the young people, and हमारे जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट सर्स ने शेयर किया है कि इज अ वेरी वेरी बिग इशू जो है हमारे यहाँ पे। आप लोग को स्टूडेंट्स को मैं जैसे पूछना चाहती हूँ कि यू नो अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स क्या है, आपको क्या समझता है ड्रग्स सुनने से? ड्रग्स के बारे में कोई कोई सुना है? ड्रग्स के बारे में कोई बोलो, ड्रग्स क्या चीज को क्या कोकेन ऐसा चीज जिसको हम लोग मतलब कि लेके जो अच्छा पाता है, मतलब कि वो खराब काम करने के लिए। देखो नशा चीज नशा करने का तरबूज भून कर
ओवरऑल तो कुछ ना कुछ पता है कि ड्रग्स जो है, लेकिन कलेक्टिवली जब हम बोलते हैं ड्रग्स तो वो तो एक ड्रग्स बोलने से केमिकल होता है ना, कुछ सब्सटेंस है, लेकिन सब कलेक्टिवली करने से आपको, जैसे आपने कहा कि जो है एक ग्रुप आके जो है आपका एल्कोहल हो गया है ना, जैसे आपने कहा निकोटीन टबैको हो गया है आपका, जैसे कोकेन है ना, और बहुत सारी चीजें जो बहुत यहाँ पे हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमने लगी एक जो इनहेलर बोलता है ना, सुनता है मालूम है उसको, डेंट्राइट सुनने वाला जो है, ये सब चीज जो है, और मेडिसिन में भी जो है आपका जो हो गया, बहुत सारे मेडिसिन है, एंटीटोमिन बहुत सारा है, लेकिन हैविंग सेड दैट उसको छोड़ के भी प्रिस्क्रिप्शन जो देता है, ये जो आपको ना डॉक्टर्स जो लिख के देता है, उस चीज को भी मिसयूज होता है, तो उसका भी एक एडिक्शन बन जाता है ना, तो इसीलिए सब्सटेंस अब्यूज जो हम बोलता है, ड्रग अब्यूज जो होता है ना, तो सब चीज जो है बदन के लिए जो है सब चीज जो बना हुआ है, लेकिन वेल खाना को छोड़ के कुछ और चीज जो बदन के लिए ठीक नहीं है ना, वो जो है हम लोग को ये है ड्रग्स जो खराब होता है, इस चीज को जो है हम लोग ने सब्सटेंस अब्यूज का ये से हम लोग बोलता है, एडिक्शन जो होता है, तो एडिक्शन कब हो जाता है कि आपको जो है कुछ भी चीज का एडिक्शन तो सिर्फ ड्रग्स नहीं है ना, कौन कौन मोबाइल गेम खेलता है, ये भी बहुत बड़ा एडिक्शन है, लेकिन सिर्फ मोबाइल गेमिंग ही नहीं एडिक्शन, मोबाइल देखना भी एक एडिक्शन हो गया है ना, आजकल जो है सब मीन्स माइसेल्फ इंक्लूडेड आई थिंक वी हैव टू सम एक्सटेंट जो है मोबाइल एडिक्शन को हो ही गया, लिविंग असाइड द ड्रग एडिक्शन, बिकॉज़ मेरे साथ में भी वी कांट स्टे विदाउट द मोबाइल, आप लोगों को लगता है मतलब मोबाइल थोड़ा बहुत ही होने से एक घंटे कुछ अजीब सा हो गया, मतलब खोया खोया छूट गया कुछ जो है, सो एडिक्शन इज अ वेरी बिग टर्म, सिर्फ आपका जो एल्कोहल एडिक्शन ड्रग एडिक्शन का बात नहीं है, एडिक्शन जो है बहुत चीज में कवर होता है ना, जैसे कि बच्चा कंप्यूटर गेम में खेल के गेमिंग ही होता है, बाहर नहीं निकलता है, उसका एडिक्शन हो जाता है, सो बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स भी जो है वो एडिक्शन का जो नाम लेता है, एडिक्शन बोलते हैं, तो हम लोग का कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि एडिक्शन सोचते हैं हम धीरे किसमें ड्रग्स उसी को ही सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, द टर्म एडिक्शन बहुत सारा उसमें डिफाइन कर सकता है, कमिंग बैक हम लोग का ड्रग्स में बोलने से, आप लोग तो स्पोर्ट्स मैन है ना, ये क्या है एक स्पोर्ट्स एकेडमी है कि नहीं, तो स्पोर्ट्स एकेडमी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन होता है, स्पोर्ट्स मैन होता है ना, आप लोग का एक रेजिम है, शेड्यूल है, आप लोग एकदम हर चीज को जो है डिसिप्लिन से आप लोग जो है सब चीज को करता है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट की जो है ड्रग एडिक्शन ये होने से आप लोग कभी इसे जस्ट एक इनफॉर्मल है, किसी को आपको नाम नहीं लेना, लेकिन कभी किसी से जो है आपको बोला है कि ये करके देखो, ऐसा कभी हुआ है, हाँ कहीं कोई बोला है करके देखो, नहीं 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 बोला, नहीं बोला, ऐसे जब पूछता है ना, यहाँ पुलिस और यहाँ डॉक्टर लोग बैठा है ना, हम पूछने से झूठ बोलो, हम डीसी है हमको झूठ बोलो, लेकिन पुलिस और डॉक्टर लोग जब पूछता है ना, झूठ मत बोलो, आज नहीं कभी नहीं, झूठ कभी मत बोलो, पुलिस का साथ और डॉक्टर का साथ, अभी आपको झूठ बोला है फिर भी हम अभी छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा दिन झूठ मत बोलो, जरूर बोला है, कोई तो बोला है, काके देखो पीके देखो, सही है, क्योंकि आई थिंक कोई कभी एक कोई कुछ नहीं ड्रग्स को छोड़िए, मारो अपम पीके दिखा है आप लोग, मुझसे कोई अपम पिया है कभी, अरे कितना अच्छा बच्चा है तब तो, सही में गुटका हाथ दिखा है, गुटका गुटका भी दिखाया है, बहुत अच्छा है तो मीन्स नहीं सही है, बहुत ही अच्छा है, अगर झूठ बोलेंगे तो फिर जैसे देखा है कि आपका ही नुकसान।
नुकसान होगा, है ना। तो नहीं मैं क्यों क्यों ये करेंगे, जिससे कि अच्छा घर में कोई मम्मी पापा में से ओपन भी का है, इतना किसका मम्मी पापा ओपन नहीं देता है, हाँ तो सब ओपन नहीं देता है, वेरी गुड थैंक यू, सबका मम्मी मेरे भी मम्मी पापा ओपन भी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब उस चीज को हम लोग ने अब्यूज करना शुरू हो जाता है ना, एक बता है कि ना हम अपन है कि हम सोशल ड्रिंक करता है, ना दैट सोशल द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सोशल जो होता है दैट मेक्स यू द यू नो एडिक्टेड टू दैट, आप उस पे अब्यूज हो जाता है आपका सोशल जो ड्रिंक जो है, हर रात होने से तब तो ये सोशल ही नहीं हुआ मतलब जो है ना, अगर महीना में चलो दो बार कभी पार्टी हुआ या कुछ ओकेजन हुआ या इवन महीने में दो महीने के बाद एक क्योंकि आप लोगों के एज इज द टाइम वो न्यू एक्साइटमेंट होता है ना कुछ चीज करके देखने के लिए, अभी आप लोग जो टीनेज जो एज ग्रुप में है द हॉर्मोन्स ये जो इतना मतलब आप लोगों में ऐसा अलग से जोश रहता है, रिस्क भी लेने के लिए दिल होता है, ये क्या चीज है, इसको तो हम देखते ही दिखेगा, जब तक झूके नहीं दिखेगा या जब तक चक्के नहीं दिखेगा सेटिस्फाई नहीं होता है ना, सुन के नहीं दिखेगा, तो दैट इज द टाइम। और अभी आप लोग बहुत वल्नरेबल स्टेज में है क्योंकि आप लोग को जो है जानने भी दिल होता है वो क्या है क्या चीज है, उस चीज को जो है ट्राई करने के लिए भी दिल होता है, और उसके साथ साथ जो है एक और है कि टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप जो बोलता है ना, आप लोग का भी दोस्त ग्रुप है तो ना स्कूल में है, हम लोग भी मैं भी बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ तो we have a common this thing, there is a school group mein bhi this is not groupism jo aapka jo hota hai na bahut ek ek aur group mein rehne se hum bhi bahut ye hoga badhiya hoga bolte to wo jo hai peer pressure jo hota hai aapse bada wala log bolega ki hum log ka sath mein aana hai to aapko ye gutka khana padega cigarette peena padega aur pumpi ke dekhna padega tabhi hum log ka group mein aao and nowadays I don't know the system here but अभी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड मूवीज एंड ऑल दैट आल्सो व्हाट हैव कम अ न्यू व्हाट हैव कम टू नो इज दैट दैट इनिशिएशन सर दिस इज दैट इट्स एन इनिशिएशन स्टेप टुवर्ड्स देयर ए ग्रुप में उन लोगों को आने के लिए दे मेक द पीस आई मीन द चिल्ड्रन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन दैट दे ब्रिंग इन ऑल द ड्रग्स योर वेरियस सब्सटेंसेस एंड ऑल दैट उसमें अब्यूज भी कभी कभी हो जाता है एंड हार्म जो है दे कॉज देमसेल्फ्स आल्सो हार्म जो है बहुत सारे इश्यूज में ऐसा है। तो आप लोग को ये बोल रहे कि जैसे कि आप लोग के सीनियर्स आप लोग बोला कि ड्रग हार्मफुल है ना ठीक नहीं है बदन के लिए, आप लोग जो है कितना सीनियर्स हो सकता है आपको बोलेगा कि लड़की लोग को तो बोलेगा ये लड़की लोग यूं तो ये है, लड़का लोग को बोलेगा जो सिगरेट पी के एक बार लाइफ में नहीं दिखा है कोई हम सुनने में आया ऐसा बोलता है कि इन लोग को हिजरा है जो इन लगेज है एक बार सिगरेट पीने से मर्द वाला जो है वो ये होता है दैट इज नॉट राइट है ना, अरे सिगरेट पीने से ये जो है क्या बोलते हैं जो है यू डोंट बिकम मोर ऑफ अ मैन है ना, बट दिस इज व्हाट जो है जो सीनियर्स को उस वाले जो है प्रेशर उस प्रेशर में जो है आके उसका टेकिंग ड्रग्स हो या स्मोकिंग हो बीड़ी जैसे बोला है बीड़ी हो गुटखा हो खाना शुरू हो जाता है दोस्त से ना संगत से असर होके। सो इस चीज में जो है आप लोग जो है वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यू हैव अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल टू प्ले, एक है कि आप लोग स्पोर्ट्स मैन हो एंड आप लोग फ्यूचर आप लोग जो है स्पोर्ट्स मैन यदि कुछ स्पोर्ट्स को आप लोग रिप्रेजेंट करोगे तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग जस्ट इंस्टीट्यूट योर फैमिली बट द होल स्टेट एज अ होल एंड देन आपका बहुत बड़ा जो है आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है बिकॉज एक आप लोग जो है रोल मॉडल बनने वाले हो फॉर यू नो द जनरेशन या बाकी लोग से भी क्योंकि ये आप लोग स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे उससे और आगे जाकर कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे बट आप लोग का लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन होंगे तो दूसरा लोग भी देख के यू विल बी मोर एनकरेज्ड है ना। तो आप लोग जो है मालूम है कि ड्रग्स का जो ये हेल्थ इश्यूज तो मालूम ही है आपका जो है आपका ये हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन को इफेक्ट होता है हार्ट को इफेक्ट होता है लीवर को इफेक्ट हो जाता है
आपको जो है बिल्कुल मतलब जो है बेकार हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसका साथ साथ हेल्थ इश्यूज को छोड़ के आपको जैसे समझ लेते इकोनॉमिकली भी जो है इश्यूज हो जाता है, क्योंकि आपका मम्मी पापा के ऊपर में फाइनेंशियली, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट करना है, आपको जो है रिहैब में ले जाना है, आपके लिए दवाई पानी लेना है, खेती बेच देता है, ये सब करके जो है सो उसका जो साइकिल जो होता है इट्स वेरी विशियस। तो इसीलिए जो है आई एम ग्लैड कि जितना भी पूछा है आप लोग ने कहा कि नहीं है, तो आई एम ग्लैड अगर नहीं है तो इट्स वेरी गुड, कोई पीयर प्रेशर भी नहीं है, आई होप इट्स वेरी ट्रू। लेकिन आप लोग जो है लेकिन बट अगर अगर ऐसा इंसिडेंट भी होता है तो लर्न टू से नो। नो बोलने से आपको कुछ ये नहीं, आप छोटा नहीं बनता है या आप दरपुर नहीं बनता है, आप हिजरा नहीं बनता है, ठीक है। आप जो है आप रहेंगे एंड देन यू हैव योर ओन स्टाइल, ठीक है। इसमें जो है आप लोग जो है ये रहिए मींस बी स्ट्रॉन्ग एंड बी फर्म इन दैट। एंड जो जितना भी आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी हैव काउंसलिंग जो है टू बी मोर बेटर जो वन एंड ऑन जो एक और आप लोग जो अपना क्योंकि इसमें भी कभी कभी पूछने भी दिल नहीं होता है, तो ऐसा कुछ इश्यूज होने से भी वी आर ऑलवेज देयर सो वी कैन डू दैट। सो आई थिंक सर आई थिंक विद दैट ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सर। जोर से बोलो थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, बोलो जोर से। हाँ देखो मैम जो बोला है ना ध्यान से आपको सुना है और अच्छा से रखो, और आप लोग का दोस्त में से कोई नशा करता है उसके लिए मैम बोला है ना उसको अलग से हम लोग काउंसलिंग करेगा। तो अभी मैम ने सजेस्ट किया नर्स एक तो रखना है, लेकिन आपका स्कूल के लिए सिर्फ नहीं है, हम अच्छा हो गया आपने आपको याद दिला दिया, मेरा भी जो गवर्नमेंट स्कूल बहुत है ये एरिया के लिए में भी एक नर्स हमारा डीसी ऑफिस से एग्जाम दे देगा, वो आएगा आप लोग को चेक करेगा, ठीक है। सीआईडी होगा वो मेरा सीआईडी होगा, आप लोग ऐसा कहता है कि नहीं कहता है चेक करेगा, ठीक है। तो आप लोग का बीमार को भी देखेगा। अच्छा अभी आप लोगों ने डीएसपी सर से सुना है कि आप लोग बहुत बहुत लकी आदमी है, अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन मिला है, एक सीट दो सीट ही होता है हमारा डीसी का, हर डीसी का पास एक सीट दो सीट होता है, इंटरव्यू होता है, आप लोग भी इंटरव्यू दे के आए ना। अरुणाचल 14 लाख पॉपुलेशन है, 14 लाख पॉपुलेशन में से तुम लोग को इतना लकी है या 200 से लोग यहाँ में है, सबको एडमिशन नहीं मिलता है, तो पिताजी लोग भी लकी है और तुम लोग हम बोलेगा आर यू लकी, यस आर यू लकी, आर यू लकी, आवाज देखो आवाज कहाँ गया, आप लोग स्पोर्ट्स एनर्जी है नहीं तुम लोग का, खाना नहीं खिलाया सुबह दिन में, खाना नहीं खाया, खाना खाया नहीं, खाना खाया है, हाँ खाना नहीं खाया तो बताओ इसको खा लो खुलो खाओ चलो खुलो